ये लोग ना रिलीजन देखते हैं, पहले रखते हैं, इंसानियत बाद में रखते हैं, जबकि आई थिंक इंसानियत पहले है। हर किसी का धर्म तो उसके वो तो बात की बात होती है। प्राउड से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, तो आप आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाहर जो है वो राजा सिंह ने एक बहुत ही हैवी किस्म की स्पीच दी है, और श्री राम नवामी शोभा यात्रा 2023 के अंदर हुई है, और ये क्या है बहुत कुछ देखने को और जानने को मिलेगा। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। वहाँ चलते हैं जी, देखते हैं। ये किसी मस्जिद के बारे में कह रहे हैं ना। हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो जानबूझ के बारे में बोल रहा है, देखो मस्जिद के बारे में। Yeah!
मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लोग जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लोग जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम एफआईआर करते हो मेरे खिलाफ? गाय माता है तो फिर बैल गया अबू। आप विश्वास नहीं करोगे, एफआईआर पे एफआईआर मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा। ये क्या कर परिवार निछावर कर दिया, मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे परिवार का निछावर कर सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बच गया तो सोलो तुम नहीं बचोगे। अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा, तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा। इसके बाद में भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहती हो खदीजा, आपको ये क्या लग रहा? मुझे तो पहले देखना हंसी आ रही है कि स्पीच का मैं ड्रामा ज़्यादा मुझे लग रहा है इसमें, ऐसे कर देंगे ये कर देंगे। और दूसरा आप ये देखो, सबसे बड़ी आपको ये चीज़ नोट करने वाली है कि जहाँ से हम कहते हैं ना फितने पैदा होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये मुसलमानों ने इतने बंदों को मार दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों के इतने बंदों को मार दिया, वो इसी तरह से होता है। देखो अब बिल्कुल मस्जिद के बाहर जाके तो उन्होंने ये वाला एक अपनी स्पीच दी है, और दूसरा सीधा खुल्लम खुल्ला जो है मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको मुल्क से निकाल देंगे, हम अपना एक अलहदा हिंदू धर्म बनाएंगे। पहले नंबर पर ये देखो कि भारत जो है वो उसमें ये भारत तो सभी का था, मुसलमानों का भी था,
हिंदुओं का भी था, ईसाइयों का भी था, जो जो लोग यहाँ पे भी रहते थे वो सब उनका ही था। यही वजह है कि आज सिख जो है वो अपना खालिस्तान लेने के पीछे, मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान लेने के पीछे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं और उनका धर्म जो है वो मुसलमान है, तो वो समझते हैं कि भारत इनके बाप की जगह तो नहीं है, भारत तो हमारा भी है। और इसके बाद इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ होंगी जिनके मैं ऊपर ना खतीजा हम बाद में रिएक्ट करते रहेंगे और फिर हम इसको लिंक भी करते रहेंगे कि किस तरह से देखो मुस्लिम और हिंदू में बहुत प्यार भी रहा है दोनों के, अगर नज़रियात या उनका रिलीजन अलहदा था लेकिन उनका रहन सहन सब कुछ एक जैसा था। और उस बुनियाद अब देखो जब एक मंदिर के रिलेटेड बात हो रही है या एक इस तरह की बात हो रही है हिंदू धर्म, और आप बिल्कुल मस्जिद के बाहर आके कर रहे हो और खुलेआम गालियां दे रहे हो और आप उन्हें जो है कह रहे हो कि हम आपको घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर अगर उनकी तरफ से गुस्सा आता है तो फिर उसको दबाने के लिए ये हिंदू अक्सरियत आ जाती है और फिर इसी तरह से लड़ाई दंगे फसाद होते हैं और फिर जो है सारी चीज़ें होती हैं। ये इस तरह से कह देना मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो ये इसमें मुझे थोड़ा मुझे ना मतलब हकीकत कम और ड्रामा ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा ये कि ये मेरे ख्याल में जहाँ पे आप देखो कि एक इंसान ये कर रहा है और दूसरी जानब इंडिया जो है पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा लीडर मान रहे हैं और पीएम मोदी जो है वो मुसलमानों के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। अकबर कुछ लोग कहते हैं जी पीएम मोदी मुसलमानों के लिए सिर्फ उस तरह से नहीं काम कर रहे, जैसे भाई एट द एंड वो इंडिया को ग्रो कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ही मुसलमान है और वो मुसलमानों के साथ भी काम करते हैं। अभी पिछले दिनों वो एक कश्मीर की लड़की के साथ भी मुलाकात उनकी जो कि मुसलमान थी सारा, तो वो बात करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, वो मुसलमानों के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के लीडर आ जाते हैं ना इंतहा पसंद जो फसाद और दंगे फैला देते हैं, उस बुनियाद पे फिर जो है वो मुल्क जो है ना, और जिस तरह इंडिया आगे की तरफ जा रहा है इन्हें उस चीज़ की नहीं परवाह, ये सिर्फ उसी भी के हम मार दें, मार दें। ये लोग ना रिलीजन देखते हैं पहले रखते हैं, इंसानियत बाद में रखते हैं, जबकि आई थिंक इंसानियत पहले है। हर किसी का धर्म तो उसके वो तो बात की बात होती है। हाँ, और दूसरा देखो जिस तरह ये समझते हैं जी कि इस तरह है उस तरह, तो जो पेड़ है वो भी जानदार है, इस तरह जो गाय है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बलिदान होते हैं, इस तरह कर दो वो कर दो, तो ये हर एक के अपने अपने हैं। इस तरह तो जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं लोग हैं ये कई मछली भी खाते हैं, मछली भी तो एक वो भी जानदार है, उसमें भी जान होती है, तो ये कह देना जी कि वो हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है तो हम ऐसे कर देंगे ये कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ें अब किसी के रिलीजन में कुछ है किसी के रिलीजन में कुछ है तो आप उसको लेके तो आप जो है, और जिस तरह इंडिया हमने पहले भी बात किया कि कितनी एक ग्रोइंग इकोनॉमी आगे जा रहा है, और जब इस तरह के इश्यूज होंगे तो फिर वो जो है उसकी जो ग्रोथ है उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़राबी पैदा होगी। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और इस तरह की वीडियोस के ऊपर लाजमी अपनी राय जो है ना वो दिया करें ताकि यहाँ से ही पता लगता है कि यार इंडिया क्या सोच है, क्या मैंटेलिटी है, क्या वो इस तरह की चीज़ों को अच्छा समझते हैं या इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, या वो हिंदू मुस्लिम इकट्ठ के हैं कि वो इकट्ठे मिल के चलें कि, और ये तो होने से रहा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ही नहीं है कि एक जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान है और आप उनको अचानक से बाहर, ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ, ये इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है कि आप मुसलमानों को भारत से निकाल देंगे। मुसलमानों का भी भारत है, वो भी वहाँ पर रहते हैं और वो बड़े प्राउड से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, तो आप ये तो नहीं निकाल सकते। तो फिर ऐसी चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है लाजमी कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद